हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे। प्ले का नाम है द पियानो लेसन। ऑथर ऑफ दिस प्ले इज ऑगस्ट विल्सन एंड योर पेपर इज अमेरिकन लिटरेचर पार्ट वन एंड यूनिट नंबर इज 5। सो ये प्ले हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस प्ले की समरी है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, बहुत डिटेल में बताऊंगा, बल्कि समरी तो नहीं कहो कि पूरा प्ले ही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम इसका एनालिसिस करेंगे, एक एक एक्ट एक एक सीन का एनालिसिस करेंगे। जब मैं आपको समरी बता रहा होऊंगा तो बीच में जो जो करेक्टर आएगा उस करेक्टर के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा इस पूरे प्ले के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, द पियानो लेसन नाम से ही। तो वो जो मूवी के कुछ सीन्स है वो भी मैं इसी वीडियो में साथ में अटैच करूंगा ताकि आपको प्ले और अच्छे से समझ आए। सो नंबर ऑफ एक्ट्स, इस प्ले में 2 एक्ट्स हैं। इसे प्रोड्यूस कब किया गया था? 1987 में इसे लिखा गया था। इस प्ले में अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ इन 20th सेंचुरी को डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली 20th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का जीवन कैसा था वो समझाया गया है। अफ्रीकन अमेरिकन लोग क्या है? तो जो लोग अफ्रीका में रहते हैं उन्हें ब्लैक पीपल कहा जाता है। तो ये जो ब्लैक पीपल अफ्रीका में रह रहे थे, इन्हें गुलाम की तरह अफ्रीका से उठा करके अमेरिका में ले जाया गया, और अमेरिका में ले जा करके इनसे काम करवाया जाता था, गुलामों की तरह इन्हें बेच दिया जाता था, खरीद दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे से यूएसए में, अमेरिका में आपको पता है कि सिविल वॉर भी हुआ, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट हुए, तो कई सारी डेवलपमेंट्स के बाद जो ये अफ्रीकन पीपल थे जो अमेरिका में रह रहे थे, जिन्हें हम अफ्रीकन अमेरिकन लोग कहते हैं, गुलामी से उन्हें छुटकारा मिल गया, कानून बने, और धीरे धीरे फिर उन्हें थोड़े 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 अधिकार मिलने, राइट्स मिलना शुरू हो गए। तो 20th सेंचुरी में उनकी क्या हालात है, उनके हालात कैसे हैं, कैसी उनकी सिचुएशन है, उनके पास कितने राइट है कितने नहीं, उनकी लाइफ कैसी है, वो इसमें बताया गया है। सेटिंग ऑफ द प्ले, ये पिट्सबर्ग में है इन 1936। याद रखना जो प्ले लिखा गया 1987 में, लेकिन प्ले में जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है वो 1936 की बात हो रही है। ओके, पिट्सबर्ग में ये जो सीन हो रहे हैं। ओके, और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली जो पिट्सबर्ग में अभी रह रही है, ये मिसिसिपी से आए हैं। ठीक है, मिसिसिपी ये भी अमेरिका का ही आप कह लो कि एक शहर है। तो ये मिसिसिपी से आकर के पिट्सबर्ग में रहना शुरू कर देते हैं। अभी पिट्सबर्ग में इनकी लाइफ कैसी है, मिसिसिपी में बैक देन लाइफ कैसी थी, ये सारी चीजों के ऊपर ही ये प्ले बेस्ड है। सो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, समरी। तो एक्ट वन सीन वन पार्ट वन, एक्ट वन में सीन टू भी है, सीन वन में पार्ट टू भी है, बहुत सारे पार्ट है, आप देखना, बहुत लंबा प्ले है। द प्ले ओपन्स एट डॉन, यानी कि सुबह के टाइम पे प्ले शुरू होता है, सुबह के 5 बजे हैं। मैं आपको ना ये सारे करेक्टर दिखाता जाऊंगा, आपको अच्छे समझ आएंगे। सुबह के 5 बजे हैं, एक करेक्टर है जिसका नाम है बॉय विली। ठीक है, बॉय मतलब ये बॉय गर्ल वाला बॉय नहीं, मतलब उसके नाम में ही बॉय है, बॉय विली उसका नाम है। बॉय विली नॉक्स एट द डोर एंड कॉल्स फॉर हिज अंकल डोकर। तो बॉय विली है जो घर के घर में आया है, इनके घर में आया है पिट्सबर्ग में। तो ये क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है, दरवाजा नॉक कर रहा है, और घर के अंदर कौन है, अंकल डोकर। तो अंकल डोकर को बुला रहा है। डोकर लेट सिम इन, डोकर कहता है कि अंदर आ जाओ। विली एंटर्स विद हिज पार्टनर लेमन। तो अभी क्या हुआ है जी, अच्छे से समझ लो, दो बॉय विली है वो डोर नॉक कर रहा है। ओके, और जो डोकर है, अंकल डोकर है, वो दरवाजा खोलते हैं और फिर अंदर दोनों आ जाते हैं, बॉय विली और साथ में उसका पार्टनर है लेमन, ये दोनों घर में आ चुके हैं। द टू हैव कम फ्रॉम मिसिसिपी, ये दोनों मिसिसिपी से आ रहे हैं इन अ ट्रक टू सेल वाटरमेलन। लेमन प्लान्स टू स्टे इन पिट्सबर्ग। अभी ये चीज अच्छे से समझो, दोनों कहां से आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं मिसिसिपी से, कहां पे, पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग में ये ट्रक के ऊपर आए हैं, ये यहां पे ट्रक भर के वाटरमेलन्स लेकर आए हैं, क्योंकि इन्हें वाटरमेलन्स यहां बेचने हैं।
अभी वाटरमेलन बेच करके जो बॉय विली है वो तो वापस चला जाएगा मिसिसिपी, लेकिन लेमन चाहता है कि मैं पिट्सबर्ग में ही रहूं, ये आगे काम कर पिट्सबर्ग में ही करो, ये वो चाहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉय विली है और साथ में लेमन है वो ट्रक में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रक में वो वाटरमेलन्स भर के जा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। तो ये देखो, ये वो सीन है जहाँ वो मिसिसिपी से पिट्सबर्ग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सामने अंकल डॉकर है, इनका डोर वो नॉक करेंगे अभी आकर के, वो भी सीन आप देख लो कि किस तरीके से है। हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी इनमें बातचीत चल रही है, विली कॉल्स फॉर हिज सिस्टर बर्नसी बर्नसी डिस्पाइट डॉकर्स वार्निंग्स। अभी डॉकर उसे मतलब कहता है कि तुम सुबह 5 बजे आ गए हो, इतना शोर शराबा कर रहे हो। तो जो बर्नसी है वो सो रही है, उसकी एक बच्ची भी है, वो भी सो रही है, तो तुम अभी उन्हें मत जगाओ क्योंकि वो ऊपर वाले रूम में सो रहे हैं। लेकिन विली फिर भी उसे बुलाता है। ओके, विली अभी बहुत देर बाद घर में आ रहा है। ही हैज नॉट सीन हर इन 3 ईयर्स। वो 3 सालों से कहाँ था? पार्चमैन प्रिजन फार्म में था, आप कह लो कि एक तरीके की जेल में था। वो 3 साल से जेल में था, अभी जेल से छुट करके वो वापस आ रहा है। अभी बर्नसी आती है, शी एंटर्स ऑन द स्टेयर्स एंड चाइड्स हर ब्रदर फॉर मेकिंग सो मच नॉइज। वो आते ही उस पे चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हो। विली देन आस्क हिज अंकल फॉर अ ड्रिंक फॉर दे ऑल हैव कॉज टू सेलिब्रेट। वो अभी अंकल को कहता है कि चलो एक ड्रिंक लेते हैं सभी लोग, क्योंकि मेरे पास एक मौका है, कॉज है, वजह है सेलिब्रेट करने की, कुछ अच्छा हुआ है। तो अच्छा क्या हुआ है? अच्छा ये हुआ है, गोस्ट ऑफ द येलो डॉग हैव ड्राउंड सटर इन हिज ओन वेल। ओके, अब यहां पे समझो, वो बताता है कि जो येलो डॉग का घोस्ट था, भूत था, उसने सटर को ड्राउन यानी कि डुबा दिया सटर के ही कुएं में। येलो डॉग क्या है, एक एक चीज समझो। येलो डॉग एक तरीके की ट्रेन थी। ओके, येलो डॉग एक तरीके की ट्रेन थी, और उस ट्रेन में ना, मैं आपको बताऊं कि आगे जाके वैसे ये चीज क्लियर होगी कि येलो डॉग में कुछ लोग जा रहे थे। अभी वो लोग कौन थे अभी नहीं मैं आपको बताऊंगा, आगे आप समझना। तो येलो डॉग में कुछ लोग जा रहे थे ट्रेन में, तो येलो डॉग को आप कह लो आग लग जाती है या कोई आग लगा देता है, सारे लोग मर जाते हैं। तो वो कहा जाता है कि उनका भूत है अभी। तो येलो डॉग का जो भूत था, ट्रेन का भूत था, उसने शटर को धक्का दे दिया उसी के कुएं में और शटर को मार दिया। ओके, बाद में हमें पता चलेगा कि जो शटर फैमिली है वही चार्ल्स को ऑन करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो शटर है जो मर चुका है, ये जो शटर है ना, ये वाइट पीपल है, ये वाइट पीपल है। ओके, ये वाइट पीपल अभी भी इनके कुछ गुलाम है, इन्होंने अभी भी गुलाम रखे हुए हैं। और ये बर्नसी है, ये बॉय विली है, ये अंकल डॉकर है, ये सारे चार्ल्स फैमिली से जुड़े हैं। चार्ल्स फैमिली को स्लेव की तरह, गुलाम की तरह रखा था सटर फैमिली ने, तो इसीलिए ये खुश भी है। इसीलिए ये कहता है कि हमें अभी खुशी मनानी चाहिए कि सटर भी मर चुका है। अभी उसके कुछ भाई भी हैं वैसे। अभी करेक्टर्स को अच्छे समझ लो, डॉकर चार्ल्स आए हैं ना, कैरेक्टर चार्ल्स फैमिली, डॉक्टर चार्ल्स, ये कौन है? द ओनर ऑफ द चार्ल्स हाउस होल्ड। तो अभी चार्ल्स हाउस होल्ड यहाँ पे ये घर के ओनर है, और ये अंकल है बर्नसी और बॉय विली के। ओके, एक और चीज समझो कि ये जो अंकल डॉकर है, ये टोटल 3 भाई थे, इनमें से एक है बॉय विनिंग, ये अभी आगे आएगा। बॉय विनिंग एक भाई था,
एक डॉकर और एक तीसरा था जो वो कौन था, वो बॉय विली का फादर। ओके बॉय विनिंग अंकल डॉकर, और ये जो थर्ड है बाद में नाम बताऊंगा, ये तीन भाई हैं, ये जो थर्ड है इन्हीं का बेटा है बॉय विली और बेटी है वार्नेसी। ठीक है समझ गया। अभी इनकी डेथ हो चुकी है, ये अभी डॉकर जिंदा है, बॉय विनिंग भी जिंदा है, ये जो डॉकर है डॉकर के घर में अभी ये रह रहे हैं। ही लिव्स विद हिज नीज बानेसी एंड ग्रेट नीज मारे था। तो बानेसी की ही लड़की है मारे था। ओके और इनकी एज कितनी है डॉकर की, 47। ओके 47। सो अभी आगे समझो, जो बानेसी है, बानेसी रिफ्यूजेस टू बिलीव सच फुलिशनेस। अभी बानेसी कहते हैं कि तुम ये सारी बकवास कर रहे हो कि किसी के भूत ने शटर को मार दिया, ये सब कुछ झूठ है, ये बताओ तुम करने क्या आए हो। यहाँ वो सीन आप देखोगे कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, वो देखो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बानेसी। सो आगे क्या होता है, सस्पिशियस सी आस्क हर हाउ द बॉयज प्रोड्यूस देयर ड्रग। अभी वो इनसे पूछती है कि देखो ये बताओ कि तुम इतना बड़ा ट्रक कहाँ से लेकर आए हो, और उसमें इतने सारे वाटरमेलन्स हैं, तुम बेचने जाओगे, कहीं से तुमने खरीदे भी होंगे, अभी तुम्हें बेचने भी है, क्या तुमने क्या चोरी किया है ये ट्रक। तो बताता है कि लेमन बॉट इट, यानी कि लेमन ने ये ट्रक खरीदा, मेरा नहीं है, लेमन ने खरीदा है। अभी वो कहती है शी वॉन्ट्स देम आउट ऑफ हर हाउस एज सुन एज पॉसिबल। वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारा काम है करो और यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम पहले ही बहुत सारी परेशानी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो हमेशा। इनडीड शी सरप्राइज्ड दे हैव नॉट वोकन हर डॉटर मैरिथा। वो ये चीज से सरप्राइज है कि शुक्र है इन्होंने अभी मेरे डॉटर को नहीं उठाया है। विली इमीडिएटली कॉल्स मैरिथा डाउन। अभी वो मैरिथा को भी आवाज लगाना शुरू कर देता है कि तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ। बर्नीस रिटर्न्स अपस्टेयर्स इन फ्रस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि चलो मैं अपने रूम में वापस जा रही हूं, तुम्हारा जो भी काम है वो करके यहां से निकलो। चेंजिंग द सब्जेक्ट विली आस्क अबाउट डॉकर्स ब्रदर एंड एक्स रिकॉर्डिंग स्टार विनिंग बॉय। जो मैंने आपको बताया डॉकर के भैया, डॉकर के ब्रदर, इनके यानी कि वो भी चाचा ही है। तो वो कहता है कि अभी डॉकर कह सॉरी विली कहता है कि अभी काफी यहाँ पे आप कह लो कि गहमा गहमी हो गई, थोड़ा सा ज्यादा एक दूसरे से बोलचाल है, तो अभी कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सीरियस बातों से हट करके कुछ और बात करते हैं। तो वो पूछता है कि अभी जो विनिंग बॉय है वो कैसे हैं आपके ब्रदर यानी कि इनके अंकल, तो उनके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इन हिज मिडल एज विनिंग बॉय हैज बिकम अ वॉन्डरर, इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, रिटर्निंग टू हिज फैमिली व्हेन ब्रोक। और पहले तो ना वो घर छोड़ देता है, कहता है कि मैं लाइफ में कुछ करूंगा, फिर बाद में जब परेशानी आती है प्रॉब्लम आती है तो वो घर में वापस आ जाता है। उसके बाद लेमन देन आस्क अबाउट द पियानो। वहां पे एक बहुत अच्छा पियानो पड़ा है, लेमन पूछता है कि ये पियानो किसका है, क्यों है, कैसे है। अपेरेंटली विली इंटेंड्स टू सेल इट। अभी मैं आपको बता दूं कि विली यहाँ पे करने क्या आया है, विली कोई वाटरमेलन बेचने नहीं आया है, ये भी उसका एक रीजन है यहाँ आने का, वाटरमेलन मेलन बेचना, घर वालों से मिलना, लेकिन उसका मेन रीजन ये है कि वो यहाँ आया है तो वो वाटरमेलन वाला ट्रक पूरा बेच देगा, उससे कुछ पैसे उसके पास हो जाएंगे, ठीक है, उससे कुछ पैसे उसके पास हो जाएंगे, प्लस वो ये जो पियानो है उसको भी बेच देगा, तो वो पियानो भी बेच देगा, उससे भी पैसे हो जाएंगे, और ये दोनों पैसे मिला करके वो क्या करेगा जी, आगे आपको समझ आएगा। अभी वो बेसिकली यहाँ पे पियानो बेचने के लिए आया है जो कि इनकी फैमिली का पियानो है। अपेरेंटली विली इंटेंड्स टू सेल इट एंड विद द प्रॉफिट फ्रॉम द वॉटर मेलन एज वेल यूज टू मनी टू बाय सटर्स लैंड। देखो अभी सटर मर चुका है, तो जो सटर का भाई है ना, सटर का भाई चाहता है कि देखो मेरा ब्रदर तो अभी मर गया तो मैं अपनी जमीन बेच दूं। सटर का भाई अपनी जमीन बेचना चाहता है और वो अपनी जमीन बेचने के लिए बॉय विली को कहता है कि देखो मुझे मेरी जमीन बेचनी है, अगर तुम खरीदना चाहते तो खरीद लो।
तो बॉय बिली कहता है कि ठीक है मैं इस जमीन को खरीद लूंगा, अभी जमीन खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए, तो वो पैसे इकट्ठे करने के लिए यहाँ आया है ताकि यहाँ आके पियानो बेच दे, वाटरमेलन बेच दे और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो जमीन खरीद लेगा। सो विनिंग बॉय कैरेक्टर आया, इसके बारे में देख लो। विनिंग बॉय क्या है, इज ऑल्सो द वन ओनली कैरेक्टर असाइड फ्रॉम बर्नीस हु कैन स्पीक विद द डेड। ही स्पीक्स टू द गोस्ट ऑफ द येलो डॉग एंड टू हिज डिजीज्ड वाइफ क्लियोथा। दो चीजें समझो, विनिंग बॉय क्या है ये आप समझ गए ना, कि एक तो अंकल डॉकर है प्लस विनिंग बॉय है, ये दोनों भाई हैं और प्लस एक इनका और थर्ड भाई है जिनका कौन है बेटा है, ये बॉय विली प्लस बर्नीस। ओके, और बर्नीस की बेटी है मैरिथा। और इस चीज का ध्यान रखना है, इस पूरे प्ले में दो लोग हैं, एक तो बर्नीस और दूसरा ये विनिंग बॉय। ये दोनों मरे हुए लोगों से यानी कि भूतों प्रेतों से बातचीत कर सकते हैं, इनमें वो पावर है। सो सटर्स ब्रदर हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज ईगर टू सेल टू विली ऑनिंग टू देयर फैमिली शेयर्ड हिस्ट्री। विली इज ऑल टू अवेयर दैट ही इज ट्राइंग टू चीट हिम बट इज बेंट ऑन स्टार्टिंग हिज ओन फार्म। इस चीज को समझो, मैं आपको बार बार देखो फैमिली समझाता रहूंगा। तो एक तो ये चार्ल्स फैमिली है, ये जो ब्लैक पीपल हैं, एक आपको पता है कि ये जो सटर फैमिली है ये वाइट पीपल हैं, और ये लोग एक तरीके से मालिक हैं, मास्टर्स हैं, और ये लोग बेचारे क्या है, इनके स्लेव हैं, इनके नौकर हैं, जिन्हें इन्होंने नौकर बना के रखा था, खरीद के बेच के नौकर बनाया था। अभी कई पीढ़ियों से सटर फैमिली मालिक है, कई पीढ़ियों से चार्ल्स फैमिली उनके नौकर की तरह उनके घर में काम करती है। सटर फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अभी ये जो लास्ट सटर है, सटर का ब्रदर है, ये चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं क्योंकि और कोई चारा मेरे पास नहीं बचा है। तो ये कहता है विली को कि तुम ही खरीद लो क्योंकि तुम्हारी भी तो पीढ़ियां पीढ़ियां यहीं पे रही रहती आई हैं, अगर तुम ही खरीद लो, तुम्हारी भी तो यही हिस्ट्री है, तुम्हारी भी यही जमीन है, खरीद लो। तो विली कहता है कि ठीक है। विली को भी ये लगता है कि यार जिस जगह के ऊपर, जिस लैंड के ऊपर मैंने, मेरी फैमिली ने गुलामी की है कई सौ सालों से, उसके मालिक से अगर मैं वो जगह खरीद लूंगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यानी कि मैं अपने सारी फैमिली का रिवेंज ले सकता हूँ, बदला ले सकता हूँ। तो वो उसे ये है, लेकिन उसे ये भी पता है कि सटर उसके साथ चीटिंग भी कर सकता है, तो वो दोनों चीजें उसके दिमाग में है। सो इन एनी केस डॉकर इज श्योर बर्नीस विल नॉट पार्ट विद द पियानो। तो डॉकर को पता है कि बर्नीस पियानो नहीं बेचेगी। अभी पियानो की भी बहुत लंबी स्टोरी है, अगले सीन्स में क्लियर होगी। व्हाइल मैरिथा इज टेकिंग पियानो लेसन्स, बर्नीस हैज नो टच्ड इट सिंस मामा ओला डाइड। अभी अभी क्या है, अभी जो घर में पियानो है, क्या उसे जो बर्नीस है वो उसे प्ले करती है? नहीं प्ले करती है। अभी कई साल हो चुके हैं जब बर्नीस की जो मदर थी, मामा ओला उनकी मदर का नाम था, तो वो पियानो प्ले किया करती थी। जब से मामा ओला की डेथ हो चुकी है, बर्नीस उस पियानो को टच भी नहीं करती है। फॉर हर इट हैज ब्लड ऑन इट। उसे लगता है कि इसके ऊपर मेरी मामा का खून है, इसी की वजह से मामा की डेथ हुई है, ऐसी चीजें। इन दिस सीन द पियानो हैज बिकम अ टैबू सब्जेक्ट फॉर हर और समथिंग स्केर्ड। उसके लिए ये जो पियानो है एक डरावनी चीज बन चुकी है, इससे उसे डर लगता है। तो बर्नीस इसे डरती भी है, लेकिन बर्नीस इसे बेचना भी नहीं चाहती क्योंकि ये उसकी मदर की आखिरी निशानी है। लेकिन उसका भाई विली इसे बेचना चाहता है ताकि उसको पैसा मिल जाए जिसकी वजह से वो जमीन खरीद सके। सो अभी कुछ ये सीन आप देख लो ताकि और अच्छे से आप रिलेट कर सको। यहाँ पे डॉक्टर बता रहा है कि वो नहीं बेचेगी। अभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, यह है एवरी ब्राउन, अ प्रीचर। एवरी ब्राउन भी एक ब्लैक इंसान है। एवरी ब्राउन एक प्रीचर है, यानी कि जो चर्च में जैसे फादर है वैसे, उस तरीके से। कोटिंग बर्नीस हु फॉलोड हर टू पिट्सबर्ग व्हेन हर हस्बैंड क्रोली डाइड। तो अभी जो बर्नीस है उसके हस्बैंड कौन है? क्रोली, और उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो एवरी ब्राउन प्रीचर है वो उसके आसपास ही रहता है। ट्राई टू गेट हर टू सेल हर पियानो। और एवरी ब्राउन चाहता है, एवरी ब्राउन भी चाहता है कि बर्नीस अपना पियानो बेच दे वहां के एक लोकल वाइट मैन को, कहां के पिट्सबर्ग के, जो कि ओल्ड इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करता है। ओके, लेकिन बर्नीस ने उन्हें भी रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगी।
फिर से सुन लो अच्छे से, देखो। एवरी ब्राउन, ठीक है, एवरी ब्राउन चाहता है, जो कि एक प्रीचर है, कि बर्नीस अपना पियानो बेच दे। किसे बेच दे? एक वाइट मैन को। और वो क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करता है। अभी इसमें एवरी ब्राउन का क्या फायदा होगा? एवरी ब्राउन का फायदा ये होगा कि उसे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे बाद में, जिससे वो अपना चर्च बना सकता है या उसे रेनोवेट कर सकता है। लेकिन बर्नीस ने उसे मना कर दिया है। अभी विली स्कीम्स टू गेट इन टच विद द प्रोस्पेक्टिव बायर हिमसेल्फ। विनी चाहता है कि उस व्हाइट मैन से, विली चाहता है कि उस व्हाइट मैन से मैं खुद ही जाके मिल लूंगा और उसे मना कर दूंगा या मना दूंगा कि तुम मत खरीदो, मुझे ही खरीदने दो। अभी नेक्स्ट क्या होता है? अभी बर्नीस अपने रूम में वापस जाती है, ऊपर फिर से वापस चली गई, ओके। और उसके बाद बर्नीस क्लेम्स, बर्नीस नीचे भाग कर आती है, रोती रोती चिल्लाते हुए भाग कर आती है। वो कहती है शी हैज सीन सटर्स घोस्ट। वो कहते हैं कि मैंने ऊपर अपने रूम में सटर का भूत देखा, जो कि ड्रेस्ड इन ब्लू सूट पहना है, एंड होल्डिंग द टॉप ऑफ हिज हेड टू कीप इट फ्रॉम कमिंग ऑफ। और उसने अपने सिर को पकड़ रखा है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसका सर टूट के नीचे गिर जाएगा, भूत है ना। स्टेरिंग एट हर ही कॉल्ड बॉय विलीज नेम। और उसने कहा कि वो जो भूत था वो मुझे देख रहा था और उसने बॉय विली का नाम पुकारा। विली कहता है थिंकिंग दैट ही सिस्टर इज इमेजिनिंग थिंग्स। विली कहता है कि तुम अपने आप से चीजें बता रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी विली यहाँ पे एक मजेदार बात करता है। विली कहता है कि देखो, सटर ऐसा इंसान है जो कभी भी मिसिसिपी से बाहर नहीं गया, तो वो कैसा भूत? वो अगर भूत भी बन चुका है तो वो अगर भूत बनता तो वहीं मंडराता ना कहीं पे मिसिसिपी में, तो वहां से वो यहाँ पिट्सबर्ग आया, आपके घर में आओ, यहाँ पे आपको डरा रहा है, यहाँ क्यों आएगा वो इतनी दूर, और वो कैसे आएगा, ये वो बातें करते हैं। बर्नीस इज कन्विंस्ड डेट हर ब्रदर पुश्ड सटर इनटू वेल। बर्नीस कहती है कि उसने तुम्हारा नाम लिया, मुझे लग रहा है कि शायद तुम ही ने उसे मारा है, किसी ब्लैक डॉग, सॉरी किसी येलो डॉग घोस्ट ने नहीं। बर्नीस कहती है कि विली तुमने उसे मारा है, मुझे ये लग रहा है। यहाँ पे फिर कई सारी बातें होती है। फिर उसके बाद शी ऑर्डर्स द मैन आउट अ न्यू, ब्लेमिंग विली फॉर क्रॉलीज डेथ। और वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड की डेथ है उसके कारण भी तुम ही हो। विली कहता है सटर इज नॉट लुकिंग फॉर हिम बट फॉर द पियानो, बर्नीस शुड गेट रेड ऑफ इट। यहाँ पे आकर के विली कहता है कि वो मेरे लिए नहीं आया, वो पियानो के लिए आया है, तो तुम्हें पियानो बेच देना चाहिए। उसके बाद आप कह लो कि वो ऊपर चली जाती है मैराथा को जगाने के लिए, और फर्स्ट सीन यहाँ पे खत्म होता है। अभी इसके कुछ आप क्लिप्स भी देख लो और अच्छे समझ आ जाएगा। ये देखो ऊपर की तरफ अभी आई है, इसे अभी भूत दिखाई देगा यहाँ। ये कह रहे कि सटर ऊपर खड़ा है। And Sutter was standing in the hall. What did he look like? He looked like Sutter. Looked like he always looked. Oh, Sutter couldn't find his way from Big Sandy to Little Sandy. How are you going to find his way all the way up here to Pittsburgh? Sutter ain't never even heard of Pittsburgh. Go. वो यही कह रहा है कि उसने कभी पिट्सबर्ग के बारे में सुना नहीं, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है। देखो पहले वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अभी अभी इसका एनालिसिस भी बाकी है, फर्स्ट सीन का बहुत सारे सीन है, तो ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट। वीडियो आप देख सकते हो हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, आप डाउनलोड कर लेना या फिर वेबसाइट विजिट करना अमन पाठशाला.com, वहां भी आपको कंप्लीट ये लेसन मिल जाएगा। तो
सो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।